सो फाइनली दोस्तों सनी देओल को मिला एक और अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड, अवार्ड पे अवार्ड। भाई कितने अवार्ड, इतने अवार्ड तो भैया जवान की झोली में भी नहीं गिरे जितने सनी देओल पाजी के हथेली में गिर चुके हैं। भैया इतने सारे अवार्ड, घर भर गया पूरा। भाई गदर 2 को इतने सारे अवार्ड, अभी जीसी ने अवार्ड मिला, उसके बाद 2023 में अवार्ड मिला, 2024 में अवार्ड मिला। अब पिंक विला ने दोस्तों आपको बता दूं कि एक प्रोग्राम सेट किया था और उस प्रोग्राम के अंदर पूरा छोटा पर्दा बड़ा पर्दा तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटी स्टार मौजूद हुए एंड सनी देओल अनिल शर्मा ने पोस्ट साझा किया है। अनिल शर्मा को मिला दोस्तों गदर 2 के लिए बेस्ट अवार्ड एंड उन्होंने पूरी टीम को थैंक यू बोला। वो अवार्ड दोस्तों किस कैटेगरी का वो बताऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भैया 2024 में गदर 2 के बाद अब सनी पाल जी की पहली फिल्म कौन सी आने वाली है, तो उसकी अपडेट दूंगा दोस्तों, उसकी अपडेट आई मेरे पास। वीडियो को अंत तक देखना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार जरूर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो। आई वीडियो भी शुरू करते हैं। तो भाई लोगों बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। मैं देख रहा हूं बहुत तगड़े कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के, सनी देओल फैंस का फुल सपोर्ट मिल रहा है मुझे। एंड दोस्तों ये हेटर लोग, ये छपरी गैंग जितने भी हेट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, भाई मुझे सोशल मीडिया पे दोस्तों इंस्टाग्राम पे जो है वो लोग मुझे गंदे गंदे गाली भी दे रहे हैं यार, क्योंकि मैं जो है सनी देओल को सपोर्ट करूं इसीलिए मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं। वह दोस्तों आपको बता दूं कि मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो और आपका लव, आपका प्यार इतना है कि उस प्यार के सामने इन हेटर की मैं परवाह नहीं करता दोस्तों। तो इसी बात पे लाइक कमेंट ठोक ठोक के करो, हिंदुस्तान जिंदाबाद हर कोई लिखेगा। सो भाई लोगों देखो यार, अभी गदर 2 के बाद दोस्तों 2024 में बहुत सारे लोगों की एक जिज्ञासा है कि पहली फिल्म कौन सी रिलीज होगी, क्या बाप आएगी, क्या सूर्य आएगी, क्या आपको बता दूं कि जन्मभूमि आएगी या सफर मूवी आएगी, कौन सी मूवी आएगी और कहाँ रिलीज होगी। तो वेल दोस्तों को बता दूं कि भैया अभी हाल में ही सनी देओल ने हिंदुस्तान टाइम रिपोर्ट और कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर आके सामने ओटीटी डेब्यू की बात की थी। हालांकि ओटीटी पे उनके कई प्रोजेक्ट अभी तक नहीं आए, क्योंकि जितने भी फिल्में रिलीज की है, जितने भी शोज हुए हैं दोस्तों, उनके मोस्टली टीवी और थिएटर में हुई है। लेकिन ओटीटी का जमाना है, आजकल बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, एमएक्स प्लेयर है, तमाम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म दोस्तों। और आज के टाइम के साथ बहना भी बहुत जरूरी है, आज के टाइम के साथ चलना भी बहुत जरूरी है, ये सनी पाजी ने इंटरव्यू में कहा। तो अभी लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि गदर 2 के बाद हम कौन सी बड़ी बिग फिल्म देख सकते हैं। तो यार अभी लाहौर 1947 एक बड़ी फिल्म है सनी देओल की झोली में, उसके बाद रामायण फिल्म जिसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्शियल भी विवाद चल रहे हैं, वो भी फिल्म अभी तक तो सनी देओल के पास ही है। लेकिन अभी 2024 में सुनने में आ रहा था कि पहले की लाहौर 1947 आएगी, जो कि नहीं आएगी, रामायण भी इस साल नहीं आएगी। तो इस साल दोस्तों क्या सारी फिल्में ओटीटी पे आएगी, क्या थिएटर कोई रिलीज नहीं होगा, क्या हम ओटीटी पे इस फिल्म को देख के आनंद लेंगे दोस्तों, और कौन सी फिल्म आएगी। तो वह दोस्तों आपको बता दूं यहां पर गुड न्यूज की, बाप और दोस्तों सूर्या ये फिल्म शायद थिएटर में रिलीज होगी, ओटीटी पे अभी इसका कंफर्मेशन नहीं आया। लेकिन यस जन्मभूमि, और आपको बता दूं उससे भी पहले सफर, सफर मूवी का मेक 100% दोस्तों ये कंफर्म है कि सफर मूवी जो है वो ओटीटी पे ही दोस्तों आएगी। और कौन से ओटीटी पे आएगी, चांसेस लग रहे हैं दोस्तों जी पे आएगा या जियो पे आएगा, जियो दोस्तों या अमेजोन प्राइम, ये तीन ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहां पर दोस्तों सफर मूवी जो है 100% अब श्योर हो गया है कि सफर ओटीटी पे ही आएगा दोस्तों। और वो कंटेंट ओटीटी के लिए मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि वो दोस्तों इमोशनल कंटेंट है, एक्शन कम है एंड ड्रामा बहुत ज़्यादा है। हालांकि सिमरन बग्गा है इसके अंदर, उसके अलावा सलमान खान का कैमियो है, सनी देओल है, शशांक उदरपुरकर भी एज एक्टर एज ए डायरेक्टर की भूमिका में है। इसके अलावा दोस्तों ये प्रवास मूवी मराठी फिल्म की रीमेक है एंड आजकल दोस्तों रीमेक फिल्मों का भी दौर बहुत चल रहा है, आज देखो तो रीमेक फिल्मों से करोड़ों छाप रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सनी देओल को रिस्क लेना चाहिए था, क्योंकि उनको थिएटर रिलीज इस फिल्म को करना चाहिए था, सफर को भी। अगर सफर थिएटर रिलीज होती ना दोस्तों, डेफिनेटली इतने मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है 500 करोड़ नहीं कमाती, लेकिन अच्छा खासा कलेक्शन कर लेती। इस बार दोस्तों गदर 2 के बाद सनी पाजी को पहली बात तो ओटीटी पे रिस्क नहीं लेना चाहिए था, जो मुझे ऐसा लगता है उनको कोई थिएटर रिलीज ही चाहिए था, चाहे एक साल का गैप ले लेते। अब मुझे डर इस बात का है दोस्तों कि सफर मूवी गलती से भी ऊपर नीचे हो गई तो भैया फिर वो रेपुटेशन डाउन हो जाएगी सनी पाजी की, जो कि मैं नहीं चाहता, जो कि हम सब भी नहीं चाहते। एंड आपको बता दूं दोस्तों कि 2024 में बाप, जन्मभूमि
उसके अलावा दोस्तों सफर एंड सूर्या सबसे पहली मूवी जो आने वाली है वो सफर आएगी दोस्तों। सफर का जल्दी ही टीजर देखने को मिल सकता है। हालांकि सफर मूवी के लिए मैंने शशांक उदयपुरको को मैसेज किया था, जल्दी ही दोस्तों टीजर सुनने में आ रहा, टीजर आ सकता है। एंड फिल्म दोस्तों डायरेक्ट टीजर आएगा, OTT पर रिलीज होगी, और वो कब तक आएगी दोस्तों वो जरूर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और मैंने OTT का प्लेटफॉर्म बता दिया। हालांकि दोस्तों इस फिल्म के जो OTT में बिके हैं, ये फिल्म देखो यार, फिल्म का बजट बेहद ही कम है, मतलब अंडर 50 करोड़ की मूवी है ये, लेकिन OTT पे कहा जा रहा है कि फिल्म जो है 100 करोड़ के राइट इसके बिके हैं, सिर्फ पूरे OTT के राइट इसके, ठीक है। तो 100 करोड़ की मूवी बिकी हुई है दोस्तों, 100 करोड़ आराम से इजिली कलेक्शन है इस मूवी का। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि बाप मूवी जो है दोस्तों, बाप मूवी कम से कम जो है थिएटर रिलीज होगी और इस साल रिलीज होगी। सूर्या ऑफ कोर्स दृश्यम 2 को फेल कर देगी, शैतान को फेल कर देगी, क्योंकि जोसफ की रीमेक मूवी है सूर्या। एंड आपको बता दूं कि एम पद्म कुमार की ही दोस्तों ये देन है सूर्या, क्योंकि ओरिजिनल मूवी जोसफ भी उन्होंने डायरेक्ट किया था, एंड दिस मूवी ऑल्सो डायरेक्टेड बाय एम पद्म कुमार। तो ओवरऑल दोस्तों और बाप मूवी का तो हम सबको वेट है, और बाप मूवी दोस्तों आपको बता दूं बाप थिएटर के रिलीज ही होनी चाहिए, क्योंकि बाप के चांसेस कम लग रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बता दिया मैंने जवाब इसका कि भैया गदर 2 के बाद पहली मूवी सफर आ रही है इस साल, तो सफर के पूरे चांस है। बाप सूर्या ऑफ कोर्स थिएटर ही चाहते हैं हम, और थिएटर के रिलीज होगी। सूर्या की ऑफ कोर्स प्री प्रोडक्शन कंप्लीटेड है, बट पोस्ट प्रोडक्शन थोड़ा सा भी पेंडिंग रह रहा है। बाप मूवी ऑलमोस्ट डन है दोस्तों, बट एक रिलीज डेट मांगता है अहमद खान, जो कि मिल नहीं रही है। एंड दोस्तों फिर 2025 की शुरुआत में लाहौर 1947 फाड़ देगी, रामायण फाड़ देगी, ठीक है। तो ओवरऑल दोस्तों ये थी रिपोर्ट। इसके अलावा दोस्तों जो अभी अवार्ड मिला है, अनिल शर्मा ने एक पोस्ट साझा किया, और इस पोस्ट में थैंक्स टू पिंक विला आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर का, जिसके कहते हैं ना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का, जो ऐसी फिल्म बनी है उसका अवार्ड दिया गया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पूरी टीम को मिला है, गदर 2 की एंटायर टीम को। सन्नी देओल को फिर से एक नया अवार्ड मिल गया पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, और पिंक विला रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दूं कि वहां पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ के स्टार कास्ट, सन्नी देओल, कियारा आडवाणी, उसके अलावा दोस्तों छोटे मियाँ यानी कि हमारे टाइगर श्रॉफ, तमाम बड़े बड़े स्टार का छोटे पर्दे के सेलिब्रिटी वहाँ पहुँचे। मतलब वहाँ पर दोस्तों काफ़ी महफिल बना रखा था पिंक विला, और वहाँ पे जैसे कि जी सिने अवार्ड हुआ था वैसे पिंक विला का अवार्ड शो हुआ, और उस अवार्ड शो में दोस्तों गदर को भी एक बेस्ट अवार्ड मिला। तो दोस्तों गदर एक ऐसी फिल्म है जो जनता की फिल्म थी, है और रहेगी, और अब तो गदर 3 भी आएगी, तो पता नहीं कितने अवार्ड मिलेंगे। दोस्तों क्या लगता है, क्या वाकई में 2024 में अगर सफर OTT पर रिलीज होती है तो आर यू एक्साइटेड फॉर द सफर मूवी? क्या सफर मूवी दोस्तों, तो देखो यार OTT से तो मैंने 100 करोड़ बता दिए, बाकी हो सकता है कि कुछ और भी डिजिटल राइट से फिल्म कमा ले, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि भैया बाप और सूर्या के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट करके बताओ। क्या बाप और सूर्या ये भी OTT पे आने चाहिए या थिएटर रिलीज होना चाहिए? देखो दोस्तों यार, सफर मूवी जितने भी हेटर लोग हैं वो साफ साफ बोल रहे हैं कि सफर मूवी जो है ना फ्लॉप होगी, तो उन हेटर उन छपरे लोगों क्या बोलना चाहोगे कमेंट करके बताओ। और सफर मूवी फाड़ कर देगी भाई, OTT पे भी आएगी ना भाई साहब, OTT पे भी हम जवान से ज्यादा इसके व्यूज लेकर आएंगे, 10-10 बार देखेंगे OTT पे। आप क्या कहते हो दोस्तों इस मूवी के बारे में? लाइक कमेंट करो, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार दो, और चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करो यार। हिंदुस्तान जिंदाबाद हर कोई लिखेगा।